नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में लॉकडाउन के दौरान सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया हुआ नजर नहीं आ रहा और लोग सरेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं फतेहाबाद की सब्जी मंडी की, जहां पर सुबह होते ही भीड़ लग जाती है। फिलहाल प्रशासन के द्वारा सब्जी मंडी में गोल मार्किंग भी नहीं की गई, जिसके कारण लोग एक दूसरे से सट के खड़े रहते हैं। इससे साफ है कि कोरोना का खतरा और बढ़ सकता है। फतेहाबाद की सब्जी मंडी में ये नज़ारा आम देखने को मिलेगा। रेहड़ी चालक और सब्जी की खरीदारी करने आ रहे लोग एक दूसरे के पास चिपके रहते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को धत्ता बता रहे हैं। इस संबंध में जब मार्केट कमेटी के सचिव संजीव सचदेवा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग को जल्द लागू कर दिया जाएगा और गोल मार्किंग भी करवा दी जाएगी, ताकि लोग एक दूसरे से सट के खड़े न रहें। मतलब साफ है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस बारे में कई दिनों से कह रहे हैं कि ये लॉकडाउन किसी कर्फ्यू से कम नहीं, तो आखिरकार प्रशासन इतनी बड़ी लापरवाही किसके कहने पर कर रहा है और इस लापरवाही के बाद में इतना बड़ा निर्णय सब्जी मंडी के लोग लेंगे, जबकि माननीय मुख्यमंत्री भी पहले कह चुके हैं। इतना नहीं, इस संबंध में फतेहाबाद सब्जी मंडी के प्रधान बिट्टू सुखेजा से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को अभी लागू कर दिया जाएगा, यानी जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ ग्राहकों को भी समझाया जाएगा उन्हें किस प्रकार खड़े रहना है। इसका मतलब सीधा हुआ, इस मंडी में पत्रकार न पहुँचते और इन लोगों से सवाल न किया जाता तो ये हाल कुछ और दिन चलता। अब यहाँ पर ये इतना बड़ा सवाल उठता है कि लोगों को सड़कों पर पीटा जाता है, अगर कोई घर से बाहर निकलता है और उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं होता, मगर सब्जी मंडी में ये नज़ारा आम है, क्या ये धाराएं यहाँ पर लागू नहीं होती? पलपल फतेहाबाद से राजेश भांबो की विशेष रिपोर्ट। सब्जी मंडी के लिए जो मासक हो रहे हैं उनको, मतलब हमने एक अलग से चारा सब्जी मंडी का पार्ट चारा मंडी है, उसके अंदर हमने उनको जगह बांट दी। और बाकी यहाँ जो जितने भी दुकानें हैं, दुकानों के आगे हम आज मार्किंग करवा देंगे सारी दुकानों के आगे, और उससे सोशल डिस्टेंसिंग पे वो, मतलब वो मार्किंग के अंदर ही खड़े होंगे जो भी ग्राहक आएंगे, उसके अलावा कोई बाहर नहीं खड़ा होगा। तो इससे क्या, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग होगी, एक भीड़ कम होगा मंडी के अंदर। जैसे पहले आज से 3-4 दिन पहले मंडी के अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज आपने देखा होगा मंडी के अंदर बहुत कम भीड़ है, 10% है। तो कल से ये और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, पूरा स्टाफ लगा रखा है सारा सब्जी मंडी में, तो ये प्रॉपर कर रहे हैं। पीछे क्या जगह देखा, जैसे भीड़ है तो उसके लिए क्या प्रबंध किए जा रहे हैं? भीड़ के लिए हम अब मार्क लगवा रहे हैं अभी, और ये आज शाम तक कम्प्लीट हो जाएंगे मार्क सारे, और फिर कल से हम उनको मार्क के अंदर ही खड़ा करेंगे, उससे बाहर किसी को खड़ा नहीं। और जो वाहन आएंगे मंडी के अंदर उनके हम पास जारी कर रहे हैं, जितने मंडी के अंदर जो भी लोडिंग अनलोडिंग के मतलब व्हीकल आएंगे उनको हम पास दे रहे हैं। मार्केट कमेटी से सभी को बोल दिया है कि वो अपने अपने पास ले ले, बिना पास के कल हम एंट्री नहीं करने देंगे अंदर। व्यवस्था ये है जी, शेड खाली करवाया गया है भाई, कोई लोग इकट्ठा ना हो ज़्यादा, और जैसे भी जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे आगे भी, कोई साधन नहीं आएगा। तो सामने जो दुकानें हैं वहाँ पे जैसे भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो उसके लिए गोल मार्किंग? आज पहला दिन है उसका, कल से और व्यवस्था मतलब बढ़िया होगी।